दोस्तों, मैं फॉर्मर एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कराटे ब्लैक बेल्ट वंडन बलराम कुंडू, मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ पीपीटी टेस्ट, जो कि इंडियन आर्मी में एक ट्रेंड सोल्जर को उसकी ट्रेनिंग के बाद उसके फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए करवाया जाता है। और यह समय समय के ऊपर हर 3 महीने के बाद उसके फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए उसका टेस्ट होता है। इंडियन आर्मी के दौरान जब भी आप उसके अंदर जॉब करते हो तो एक ट्रेंड सोल्जर को समय समय के ऊपर वहाँ के फिटनेस लेवल को पार करना होता है, जिसके अंदर होता है सबसे पहले पीपीटी। पीपीटी यानी कि फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर 6 टेस्ट होते हैं। इसके बाद बीपीटी। बीपीटी यानी कि बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो एक सोल्जर को लड़ाई के दौरान उसको वहाँ पर जो इवेंट्स आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको पार करने के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के अंदर भी 5 इवेंट होते हैं जो कि एक ट्रेंड सोल्जर को पार करना होता है। इसी के साथ BOAC यानी कि बैटल ऑप्टिकल असॉल्ट कोर्स, जो कि एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो में एक ट्रेंड सोल्जर से भी करवाया जाता है। इसको पार करने के लिए इसके अंदर 26 इवेंट होते हैं और इसको एक्सीलेंट में आने के लिए 17 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो आज हम करने जा रहे हैं पीपीटी। पीपीटी यानी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर हैं 6 टेस्ट। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मसल ब्लेज प्रोटीन, जो कि USA से टेस्टेड है। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीमियम फ्लेवर्स हैं। इसको मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। यूज करने के बाद इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और क्लिनिकली टेस्टेड है। इसमें हायर 50% प्रोटीन है। इसमें BCA मिल रहे हैं, विटामिन, और प्री वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। और ये मिक्स भी बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के लिए बहुत जल्दी रिकवरी देता है हमारी बॉडी। हम लोग कई बार खाना खाने के बाद जो प्रोटीन्स है वो पूरा कंप्लीट अपनी बॉडी के लिए नहीं कर पाते हैं, तो हमने इसको पर्सनली यूज किया है। जो खाने से हमारी बॉडी के अंदर कमी रह जाती है, जिस प्रोटीन को पूरा करने के लिए, तो मसल ब्लेज प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए एक परफेक्ट है, जो कि जिसको लेने के बाद हमारी बॉडी नेक्स्ट टाइम के लिए बोलती है जिद करो वर्कआउट के लिए। दोस्तों, सबसे पहला इवेंट है 2.4 किलोमीटर रन, जिसको करना है 9 मिनट के अंदर। जो 9 मिनट में कर पाएगा वो है एक्सीलेंट। 9.5 मिनट में करने वाला गुड, 10 मिनट के अंदर करने वाला सेटिस्फैक्ट्री, 10 मिनट में करने वाला है पास। अब जो 9 मिनट के अंदर क्लोज कर पाएगा वो है फिर से जिद कर, यानी जिद्दी। दोस्तों, सेकंड इवेंट है 100 मीटर स्प्रिंट, जो 13 सेकंड के अंदर आएगा वो एक्सीलेंट, 14 सेकंड में आने वाला गुड, 15 सेकंड में आने वाला सेटिस्फैक्ट्री, 16 सेकंड में आने वाला पास। पर हम लोगों ने जिद की है तो हम आएंगे 13 सेकंड में। दोस्तों, अभी 5 मीटर स्टल, जो 1 मिनट के अंदर 17 बार टच करेगा वो आएगा एक्सीलेंट, 16 करने वाला गुड, 15 करने वाला सेटिस्फैक्ट्री, 14 करने वाला पास, और इसके नीचे वाला फेल। और हम कर चुके हैं जिद, क्योंकि हम करने वाले हैं 1 मिनट के अंदर 17 बार। दोस्तों, अभी है सीटअप। सीटअप हमारे को एक साथ करने हैं 40। जो 40 कंप्लीट कर पाएगा वो आएगा एक्सीलेंट। इसके बाद 35 करने वाला गुड, 30 करने वाला सेटिस्फैक्ट्री, और 25 करने वाला पास, इसके नीचे वाला फेल। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हम जिद कर चुके हैं तो हम क्या लगाएंगे, 40।
दोस्तों नेक्स्ट इवेंट है चिन अप, जो कि हमारी बाइसेप्स की मसल को इंक्रीज करता है। 10 लगाने वाला है एक्सीलेंट के अंदर, 9 लगाने वाला गुड के अंदर, 8 लगाने वाला सेटिस्फैक्ट्री और 6 लगाने वाला आएगा पास के अंदर। इसके नीचे जो आएगा वो फेल है। तो हम लोग जिद कर चुके हैं और जिद्दी हैं क्योंकि हम लगाने वाले हैं 10। दोस्तों नेक्स्ट इवेंट है टो टच, 8 लगाने वाला आएगा एक्सीलेंट के अंदर, 7 लगाने वाला गुड के अंदर, 6 लगाने वाला सेटिस्फैक्ट्री और 5 लगाने वाला पास के अंदर। और हम हैं जिद्दी क्योंकि हम लगाने वाले हैं 8। मसल ब्लेज प्रोटीन फिर से जिद है और हम हैं जिद्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।